युवती से फोन पर अश्लीलता और अपने साले के लिए युवती से शारीरिक भोग की मांग करने वाले सिपाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। मामला है हमीरपुर जनपद की मोदहा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का, जहां पर यूपी डायल 112 के सिपाही द्वारा कस्बे की युवती से लगातार फोन पर अश्लील बातें की जा रही थी। हद तो तब हो गई जब युवती से सिपाही ने अपने साले के लिए लड़की का इंतजाम करने की बात कही और लड़की न मिलने पर स्वयं ही साले की भूख मिटाने की बात भी कही। बदले में युवती से सिपाही ने 50,000 रुपए का भी ऑफर किया। युवती ने परेशान होकर कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में कहा जाता है कि इन पुलिसकर्मियों का काम जनता की सुरक्षा का है, वहीं पुलिसकर्मी मानवता के नाम पर जनता की भक्षक बनी हुई है। आए दिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसा काम करते हैं कि पूरी पुलिस विभाग को शर्मिंदा कराते। आला अधिकारियों ने पीड़िता को संज्ञान में लेते हुए आरोपी सिपाही रवि वर्मा के विरुद्ध 354 के तहत मामला दर्ज कर सिपाही को निलंबित कर दिया है। पीड़ित ने मीडिया को धन्यवाद दिया। तुम क्या काम करा सकती हो जो वो क्या काम करा सकते हैं तो आप बताएंगे कुछ है? ये बताएंगे तब हम बताए। हम क्या काम बताए? फोन पे बताना सही नहीं है। क्यों? ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। क्या बताए तुम्हें? फोन पे सब सुनना है। बताओ वही आ रहे तुम्हें गली में, तुम मिलो तब हम बताए। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं? चलो तो कोई बात नहीं। अब इतनी हमारी तुम्हारी खुल के बात हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं खुल के बता रहे। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे साले साहब आए हुए हैं। अब मुझे कह रहा है कि जी अब जिद किए हुए है। मतलब हम समझे नहीं आपको। उसे अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे, तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया वो दिन आपको जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर। अरे तो हम तुम्हारे नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई? नहीं, आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की। आपको समझ नहीं आ रही कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो? मैं भी एक इज्जतदार घर की हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो? चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि बाहर कोई जब कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है, माँ बाप में अब मेरा साला है, सगा साला है, मेरा माइंड बड़ा टेंशन में, चाहे 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 का हो जाए ठीक है। मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तोल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम आपको ज्ञान मिल रहे हो किसी भी महिला से? और ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी देखो बात वाली बात है, तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा था तो हमें बोल गए हैं। कोतवाली आई, क्या मामला है ये? बोल रहा है कि हमसे 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, हमसे मिल लो आके, हमें बहुत डरा धमका दे रहा है। तो कहाँ, यही मोदा कोतवाली के सिपाही है? 100 टाइम वाला है, 100 नंबर वाला। थाना मोदा पर कल एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि डायल 100 के एक कर्मचारी द्वारा उससे फोन पर अशोभनीय वार्ता की गई है। इस संबंध में उसकी दी हुई तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, साथ ही उसके आधार पर उस कर्मचारी को निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें वॉइस सैंपल इत्यादि का परीक्षण कराते हुए गहनता से विवेचना करवाई जा रही है।